मुख्य समाचार। शहर भर में उत्साहपूर्वक मनाया गया अभियंता दिवस। देश के महान इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को कलेक्टर एसपी ने किया नमन, कहा उनके असाधारण योगदान को कभी नहीं भूलेंगे। अरविंद केजरीवाल की बस्तर रैली पर आम आदमी पार्टी ने ली प्रेस वार्ता। इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा को जन्मदिवस पर बधाई देने लोगों का लगा रहा दिन भर तांता। और हत्या के आरोपी को बस्तर पुलिस ने धर दबोचा, मृतक का दोस्त ही निकला हत्या। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। भारत के महान अभियंता और भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का 15 सितंबर को जन्मदिवस है। इस दिन को पूरे देश भर में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया भारत के महान इंजीनियरों में से एक थे। उन्होंने ही आधुनिक भारत की रचना की और देश को एक नया रूप दिया। उन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है, जिसे शायद ही कोई भुला पाए। इसी क्रम में आज उनके जन्मदिवस के मौके पर बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग स्थित मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की मूर्ति स्थल पर जिले के समस्त इंजीनियर ने उन्हें स्मरण करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर कलेक्टर बस्तर विजय दयाराम के, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा और जिले के समस्त अभियंता मौजूद रहे और उन्हें उनके अमूल्य योगदान पर याद किया। अभियंता दिवस के अवसर पर शहर के जो इंजीनियर्स चौक है, यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिले में पदस्थ सभी अभियंता के पर मैं सभी अभियंता जो जिले में सरकारी नौकरी में हो या ना हो, सभी अभियंताओं को आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के दिन जो इंजीनियर्स का जो पूरा इस समाज के प्रति और इस सोसाइटी के प्रति, शहर और जिले को निर्माण करने में इनका जो योगदान है, उसको एक तरीके से याद करने का मौका है। और वो अनसंग हीरोज़ के रूप में जो हर चीज़ में जो प्रावीण्यता पाते हैं, उनका एक याद करने का मौका है। मैं आज के दिन सभी ऐसे अभियंताओं को याद करना चाहूँगा, सभी ऐसे अभियंताओं के जो योगदान है उसको भी याद करना चाहूँगा। ऐसे अभियंता आज हम जगदलपुर शहर में सब अभियंता जो है एकत्रित हुए, और जगदलपुर का जो अभियंता चौराहा है शहर के बीचों बीच है, वहाँ पर एकत्रित हुए। और हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे कलेक्टर साहब, जो स्वयं एक इंजीनियर है, वो दयाराम साहब वो भी रहे, आदरणीय एसपी साहब भी रहे। इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट के चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंजीनियर, हम सब एकत्रित हुए और बहुत हर्ष के साथ इस त्यौहार को, हमारे लिए तो बोला जाए तो एक त्यौहार ही है, हम इसको बहुत अच्छे से मनाए। हमारा दिल, हमारा मन बहुत उत्साहित रहा, एक उत्साह के साथ हमने इसको मनाया। और क्योंकि साल भर हम सब इंजीनियर जो हैं वो कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन आज का दिन हमारा स्पेशल है। और ये दिन हम इसलिए भी याद करते हैं कि हम अपने जो प्रेरणा स्रोत हैं मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, उनको याद करते हैं। हम सभी 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में याद करते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। सर भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जी का आज जन्मदिन दिवस है। इंजीनियर्स के का जो योगदान है वो न सिर्फ इंजीनियर्स फ्रेटर्निटी के बीच है, बल्कि सोसाइटी के लिए गर्व करने का दिन है कि हम किस तरह से मानव जीवन को कितना सुविधायुक्त, कितना सहज और कितना सामान्य बना के रखते हैं, नई नई चीज़ों की कल्पना, परिकल्पना और साकार स्वरूप प्रदान करने में इंजीनियर्स का योगदान है। उसको हम सभी को याद करना चाहिए और इस दिशा में और क्या बेहतर प्रयास कर सकते हैं, उसके बारे में आज परिचर्चा की गई। परिचर्चा को आयोजन करने के लिए जिले के सभी इंजीनियर्स का मैं धन्यवाद करूँगा। थैंक यू। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 चुनाव अभियान में जुटी हुई है। इसी क्रम में बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में शनिवार 16 सितंबर को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का दौरा प्रस्तावित है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी संजीव झा और प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने शुक्रवार को जगदलपुर के पत्रकार भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान संजीव झा ने बताया कि राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जगदलपुर रैली में प्रदेश की जनता को आम आदमी पार्टी की 10वीं गारंटी की सौगात देंगे। आगे बीजेपी कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने कहा कि बस्तर में ही
छत्तीसगढ़ में सत्ता का रास्ता तय होता है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से बस्तर ने दोनों दलों को मौका दिया, लेकिन बस्तर वासियों से छल करते हुए बीजेपी कांग्रेस दोनों ने बस्तर को केवल लूटने का काम किया है। वहीं अब बस्तर ने बदलाव का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि बस्तर ही नहीं, आम आदमी पार्टी से पूरे प्रदेशवासियों की उम्मीदें बढ़ी हैं। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के दौरे की तैयारियों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी संजीव झा 12 सितंबर से छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। संजीव झा और प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी बस्तर संभाग के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों से जगदलपुर स्थित लालबाग ग्राउंड में प्रायोजित रैली से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में चला इसको ये लग रहे हैं कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी से परेशान होकर के क्षेत्र की यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन कांग्रेस भ्रष्टाचार करने में बीजेपी से दो कदम आगे निकल गई। आज बस्तर में कहीं भी जाइए आप, स्वास्थ्य व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, स्कूल का बहुत बुरा हाल है। 36 वादों में से आधे वादे किताबें ही रह गए, जो वादे पूरे किए आधे अधूरे पूरा किया। तो फिर आप अगर चुप रह जाए तो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय है, और इसीलिए राय कांग्रेस। नियमित खबरों के लिए आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा पता है बस्तर की बात जगदलपुर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नगर निगम जगदलपुर के अंतर्गत गांधीनगर वार्ड में गंगा मुंडा तालाब के एक छोर में पिछले 10 वर्ष पूर्व बनी चौपाटी स्थल पर वर्तमान में स्थानीय पार्षद विक्रम डांगी के द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि पूजन कराया जाकर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया। कार्य प्रारंभ होने पर स्थानीय निवासियों को इसकी जानकारी हुई। स्थानीय निवासियों ने पार्षद विक्रम डांगी से कहा कि वार्ड में बहुत सारे अन्य जगह खाली पड़ी हुई हैं, ऐसे किसी भी स्थल पर चयन करके वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। इस स्थान पर सौंदर्यीकरण की दृष्टि से गंगा मुंडा तालाब के ऊपर 10 वर्ष पहले चौपाटी बनाई हुई है। इस चौपाटी स्थल के खाली जगह को कॉन्क्रीट कर इसका बहुउद्देशीय उपयोग की दृष्टि से सुरक्षित रखना जरूरी है। चौपाटी के आसपास निवास करने वाले ज्यादातर गरीब अत्यंत गरीब वर्ग से हैं, और यहाँ पर स्थानीय गरीब परिवार अपने सारे उत्सव महोत्सव सुख दुख के काम धार्मिक आयोजन भी करते हैं। ये जगह वार्डवासियों के साथ उत्तर पूर्वी भारतीयों का छठ महापर्व के दौरान भी जब हजारों की संख्या में छठवर्ती अपने परिजन इस स्थल पर आते हैं तो यहाँ मेले जैसा रूप होता है। ऐसे में इस जगह पर भवन बनाने की जगह की उपयोगिता खराब होगी। वार्डवासियों का कहना है कि उनके निवेदन को स्थानीय पार्षद ने महत्व नहीं दिया, ऐसे में वार्डवासियों ने निगम आयुक्त की अनुपस्थिति में निगम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया है और आग्रह किया है कि हॉस्पिटल बनाने का हम विरोध नहीं करते, लेकिन वार्ड में जगह और भी हैं, उस जगह पर हॉस्पिटल बने। यदि यहाँ हमारे निवेदन सुझाव के बाद भी काम प्रगति पर रहेगा तो वार्डवासी इसका विरोध करेंगे। कार्य रुकवाने हेतु वार्डवासी किसी भी स्तर तक अपना विरोध दर्ज करने को तैयार है। गांधीनगर वार्ड में जो स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र का जो काम होने का है, हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो चौपाटी है, और चौपाटी में हमारे गांधीनगर वार्ड में जितने भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनका छठी विवाह मरनी सब कार्यक्रम होता है, वहाँ सुख दुख का हर कार्यक्रम होता है। तो इस वजह से वहाँ पे छोड़ करके अगल बगल जहाँ भी जगह है गांधीनगर वार्ड में वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बने, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि चौपाटी पे नहीं बनेगा, हम इसका विरोध करते हैं और पूरी गांधीनगर वार्ड की पब्लिक इसका विरोध करती है। धन्यवाद। इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा के जन्मदिवस के मौके पर हजारों लोगों ने उपस्थित होकर उनके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राजीव शर्मा को बधाई देते हुए सभी समाज के प्रमुख, सभी विभाग के प्रमुख और जगदलपुर शहर के समस्त प्रतिष्ठानों के प्रमुखों और उनके पदाधिकारी द्वारा आज सुबह से ही राजीव शर्मा को उनके निवास स्थान स्थित कार्यालय में पहुंचकर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस शुभकामना संदेश देने के अवसर पर ए विजन केबल ग्रुप भी उपस्थित होकर विशेष तौर पर इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की।
राजीव शर्मा को बधाई देने हेतु पूरा कांग्रेस परिवार सहित अन्य पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें बधाई दी है और बधाई देने वालों में छोटे बच्चे, माता बहनें और बड़े बुजुर्ग सभी मौजूद होकर उन्हें प्यार दुलार करते हुए आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उनके जन्मदिवस के मौके पर जगदलपुर शहर और आसपास के ग्रामों से पहुंचे हुए उनके शुभचिंतक मौजूद थे। हत्या के एक आरोपी को बोधघाट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया कि मृतक रूपेश सिंह 8 सितंबर 2023 की रात्रि से लापता था। बहादुरगुड़ा निवासी 19 वर्षीय रूपेश सिंह के लापता होने की खबर की रिपोर्ट उनके परिजनों ने बोधघाट थाने में दर्ज कराई थी। पता चला कि मृतक का दोस्त ही मृतक का हत्यारा निकला। 14 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली कि गुम इंसान की मोटरसाइकिल को रूपेश का एक दोस्त ऋषित सिंह चला रहा है। संदेह होने पर ऋषित सिंह से पुलिस ने पूछताछ की। मदन मोहन मालवीय वार्ड निवासी ऋषित सिंह रूपेश सिंह का दोस्त था। पैसों की बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। दोनों ही नशे में थे, जिसके बाद आरोपी ऋषित सिंह मृतक रूपेश सिंह की शर्ट से ही मृतक का गला घोंटकर हत्या कर दिया। पकड़े जाने के डर से शव को शराब की बोतल, मृतक के शर्ट को घटनास्थल के पास झाड़ियों में छिपाकर रख दिया और मृतक का मोटरसाइकिल और मोबाइल को अपने पास रखा हुआ था। तहकीकात के बाद पुलिस ने आरोपी ऋषित सिंह को गिरफ्तार कर धारा 302 के तहत अपराध कायम कर न्यायिक रिमांड में न्यायालय भेज दिया है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ के सभी निजी स्कूल अपनी मांगों को लेकर एक दिन बंद रखे हुए थे। सरकार से अपनी मांगों को मनवाने की गरज से छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने यह फैसला लिया था। इस बारे में जानकारी देते हुए निजी स्कूल प्रबंधकीय की बस्तर इकाई के सचिव नीलोत्पल दत्ता ने हमें बताया। मैं नीलोत्पल दत्ता, निजी स्कूल प्रबंधकीय संगठन बस्तर जिले का सचिव हूँ। आज हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर के तले हम लोग हड़ताल में हैं। हड़ताल की वजह को जानने से पहले हम लोग को इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। पृष्ठभूमि ऐसी है कि 2010 से हमारे देश में आरटी का कानून लागू है, जिसमें हमारे स्कूल के प्रत्येक कक्षा में 25% सीटों को सरकार आरक्षित कर लेती है। उसमें निर्बल, दुर्बल, बीपीएल कैटेगरी के बच्चे लोगों को उसमें प्रवेश दिया जाता है सरकार की तरफ से। उन बच्चों को भी जो चयन होता है सरकार ही छाट के हमको देती है। उसके एवज में हमको एक प्रतिपूर्ति राशि तय की गई है 2010 में, जो कि हमको मिलते आया है। उसमें भी काफ़ी समय विलम्ब होता रहा है। किसी किसी ज़िले में उसमें 3-4 साल का बैकलॉग चल रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि अब ये समय आ गया, पीक पॉइंट आ गया कि अब उस दर को बढ़ाया जाए और तय समय पे उस राशि को हमारे स्कूल के खाते में अंतरित किया जाए। इस वजह से, और हमारे एक दूसरा पॉइंट ये था कि जब सरकार सरस्वती साइकिल योजना के तहत बालिकाओं को साइकिल प्रदान करती है, तो निजी स्कूल में पढ़ने वाले बालिकाओं को भी साइकिल प्रदान करें। बच्चे तो बच्चे हैं, विद्यार्थी सभी स्कूलों के लिए, चाहे निजी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, एक ही हो। हम लोग का दूसरा एक पॉइंट और है कि जब हमारे स्कूल में एक टीचर पढ़ाने आते हैं तो उनके मन में एक सपना रहता है कि चलो हम अभी तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी हम सरकारी स्कूल में शिक्षक या शिक्षिका बनेंगे। तो हम चाहते हैं कि जब हमारे स्कूल में एक नियत समय तक वो पढ़ा दे तो उनको जब सरकारी भर्ती हो तो उसमें एक बोनस अंक दिया जाए। आप लोग जैसे जानते हो कि सेजस आत्मानंद में जब भर्ती होता है शिक्षकों को, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर उसका अध्ययन का अनुभव उनको मिलता है और उनको एक बोनस अंक दिया जाता है। जब सरकार की तरफ से खुली भर्ती होती है तब उनको भी बोनस अंक दिया जाए, ताकि उनमें एक उत्साह का संचार बने रहे। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो आरटी के अंतर्गत जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं उनको अभी 450 रुपया यूनिफॉर्म के लिए मिलता है। आप लोग सभी समझ ही रहे होंगे, वो 450 रुपया बिल्कुल नाकाफ़ी है यूनिफॉर्म के लिए। हम चाहते हैं कि उसको बढ़ा के 2000 रुपया कर दिया जाए, और 2000 रुपया करने के बाद उस 2000 रुपया का अंतरण बच्चे के खाते में सीधा DBT मोड में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में दे दिया जाए, तो बच्चे को डायरेक्ट लाभ मिल जाएगा। और ये जो पैसा देंगे वो सत्र के शुरू में दे दें, जून जुलाई को दे दें, तो बच्चे, ताकि यूनिफॉर्म स्कूल शुरू हो और बच्चे को यूनिफॉर्म मिल जाए। और बहुत सारे हमारे जो आरटी की राशि बैकलॉग में पड़ी हुई है वो सरकार उसको देने में आनाकानी कर रही है। कभी सत्यापन, कभी प्रमाणीकरण, अलग अलग शब्द का ईजाद करके उसको लंबा कर रहा है उस प्रक्रिया को। उस प्रक्रिया जब सरकार ही खुद उस बच्चे को छाट के हमको दी है, तो उस पर प्रमाणीकरण की क्या आवश्यकता है, क्या क्या सत्यापन है,
हम सरकार अधिक से अधिक ये कर सकती कि वो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई करने के निकले उसका भौतिक सत्यापन कर ले और तुरंत उसको डाल दे, लेकिन उस पैसे को भी चार चार साल पाँच पाँच साल हो गए बहुत सारे अभी भी हमको नहीं मिला। इसी से हम लोग खिन्न होकर आज ये कदम उठाया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से एक पत्र जिसे कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर सहायक शिक्षक भर्ती के संबंध में सूचना पत्र 13 सितंबर को जारी किया गया है। बताया गया है कि फर्जी पत्र है और ऐसा कोई पत्र संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर द्वारा जारी नहीं किया गया है। संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर द्वारा पत्र का कार्यालयीन अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि पत्र में हस्ताक्षर इस कार्यालय के द्वारा जारी ही नहीं किया गया है। पत्र में संयुक्त संचालक शिक्षा के हस्ताक्षर को स्कैन करके अथवा फर्जी हस्ताक्षर से जारी किया गया है। ये पत्र पूर्णतः फर्जी होने की बात कही गई है। संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग बस्तर ने इस बारे में अवगत कराया कि वर्तमान में सहायक शिक्षक तथा शिक्षक पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार के फर्जी पत्रों से बेरोजगारों को गुमराह कर ठगा जा सकता है। इस प्रकार के पत्र प्राप्त होने पर इसकी पुष्टि इस कार्यालय से अनिवार्य रूप से कर ली जाए। जारी पत्र के संबंध में वस्तु स्थिति संबंधी समाचार जारी कर लोगों को सतर्क होने का आग्रह किया गया है। साथ ही इस फर्जी पत्र के संबंध में स्थानीय पुलिस थाना में FIR भी दर्ज कराई गई है। क्राइस्ट महाविद्यालय में कॉमर्स क्लब का गठन शुक्रवार को किया गया। इस मौके पर कमर्शियल मॉडल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने रचनात्मक विचारों का परिचय दिया। विद्यार्थियों द्वारा स्टील प्लांट, स्टॉक एक्सचेंज, G20 जैसे मॉडल को अपने नवीन विचारों से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी राहुल जैन, विशिष्ट अतिथि के रूप में CA प्रतीक चिखलीकर और विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर योगेंद्र सिंह मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। शहर भर में उत्साहपूर्वक मनाया गया अभियंता दिवस। देश के महान इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को कलेक्टर SP ने किया नमन, कहा उनके असाधारण योगदान को कभी नहीं भूलेंगे। अरविंद केजरीवाल की बस्तर रैली पर आम आदमी पार्टी ने ली प्रेस वार्ता। इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा को जन्मदिवस पर बधाई देने लोगों का लगा रहा दिन भर तांता। और हत्या के आरोपी को बस्तर पुलिस ने धर दबोचा, मृतक का दोस्त ही निकला हत्या। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय VD Pharmaceuticals, जर्नी टूवर्ड्स हेल्थ।